सब्सक्राइब कीजिए एडुजोस चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये एमपी पुलिस का जो क्वेश्चन आज 10 सितंबर को पूछा गया है उसके क्वेश्चन है, जीके के प्रश्न ये, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे पास, मुझे एक उज्जैन से पवन और महेश इन दोनों ने क्वेश्चन भेजा है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखते हैं। सबसे पहले, विश्व भारती की स्थापना किसने की है? तो ये इन्होंने की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती की स्थापना। उसके बाद सवाल है, राष्ट्रगान के लघु स्वरूप को कितने समय में गाया जाता है? तो ये 20 सेकंड के अंदर गाया जाता है, 20 सेकंड में गाया जाता है। जनगण मन के रचयिता पूछा गया, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। देश का पहला एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से संचालित होता है, ये कोचीन एयरपोर्ट है। उसके बाद पूरी तरह से, पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित होता है ये। भारतीय संविधान के किस भाग को के अंतर्गत मानव के अधिकारों की चर्चा की गई है? ठीक है, ये भाग 3 के अंतर्गत की गई है। उसका देखिए कि देश में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई है? तो ये कोलकाता से हुई है, कोलकाता मेट्रो सबसे पहले हुई थी मेट्रो ट्रेन। उसके बाद गांधी इरविन समझौता पूछा गया है कि ये कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को हुआ है गांधी इरविन समझौता। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। उसके बाद AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की ये पूछा है, तो ये सर सैयद अहमद खां होगा और इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद सवाल पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर जो है उसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये 7 अप्रैल 1973 को हुई। उसका चित्रकूट जो है वो पूछा गया किस जिले में है, तो ये सतना जिले में है मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम पूछा गया है, तो ये अनिल बैजल जी हैं जो अभी वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। उसके बाद पूछा गया है कोणार्क मंदिर जो है वो कहाँ है, तो ये ओडिशा में है और ये सूर्य मंदिर है, याद रखिएगा। हमने आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बताया हुआ है कि जो SSC CGL की परीक्षा हुई थी उस टाइम पे भी पूछा गया था। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के की अनुपस्थिति अगर हो जाती है अचानक तो उसके कार्यभार को कौन संभालता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उन वो संभालते हैं। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, ये क्वेश्चन भी SSC CGL में आया हुआ है तो हमने आपको बताया हुआ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। प्रथम संविधान सभा कब आयोजित की गई थी, ठीक है, पहली जो संविधान सभा वो कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। उसके बाद कैरम बोर्ड खेलते समय जो वो पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है? तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि जो उनकी कैरम की जो वो गोटियाँ होती है वो आराम से जो है फिसल सके। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो लेंस है वो आवर्धक लेंस है, ठीक है। तो आवर्धक लेंस यानी जो बढ़ाकर इमेज दिखाता हो, तो यह उत्तल लेंस, ठीक है। उसके बाद पूछा गया, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है या गया होगा कि विद्युत मोटर जो है वो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो इसका सिंपल है, आप याद रखें, विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। विद्युत को किस में बदलता है? यांत्रिक में बदलता है। उसके बाद देखिए, पूछा गया ताटिया टोपे को जो फांसी दी गई है वो किस शहर में दी गई थी? तो फांसी उसको इनको शिवपुरी में दी गई थी, शिवपुरी में, ठीक है। उसके बाद एक सवाल है, पेनिसिलियम क्या है? तो पेनिसिलियम जो है वो कवक है, एक फंगी है, फंगी टाइप जो है वो फंगी है पेनिसिलियम, ठीक है। तो इस तरह के ये एमपी पुलिस के जो 10 सितंबर आज पूछे गए सवाल थे, तो इनको हमने आपके साथ सामने वीडियो बनाकर पेश किया। अगर आप लोग का नेक्स्ट डे कभी भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम होता है, तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं, आप हमारी कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं या फिर ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।